बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्यों दिया गया, व्हाट इज द रीजन? तो रदरफोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल था, उसका जो ड्रॉबैक था, उसको इम्प्रूव करके बोहर्स ने एक नया मॉडल प्रपोज किया, जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो एटम होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि होल मास स्टोर्ड होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। और क्या कहा गया कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स होते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिट या एनर्जी स्टेट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। और क्या बताया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये सभी ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं, दे मूव इन द फिक्स्ड ऑर्बिट विद अ फिक्स्ड एनर्जी। फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी के साथ ही ये मूव करते हैं। और क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और लोवेस्ट पॉसिबल जो स्टेट होता है, एनर्जी स्टेट होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसे हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में जब मूव करता है तो ना तो एनर्जी लूज करता है ना तो गेन करता है, और ये एनर्जी लूज या गेन तभी करता है जब वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है। तो इन्हीं बातों को हम समझेंगे, क्या क्या बातें बोहर्स ने कही हैं। तो पहली चीज क्या बताया, नंबर वन बात क्या बताई कि एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सेंटर वेयर होल मास इज स्टोर्ड, जहां पर पूरा मास जो होता है वो क्या होता है, स्टोर्ड होता है, और स्मॉल रीजन में होता है ये न्यूक्लियस। दूसरी बात क्या बताया गया कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ये सर्कुलर पाथ होते हैं। इन सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, के LmN, ठीक है। ये तो ये क्या है, दीज आर ऑर्बिट। और क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, सेल्स भी कहते हैं। तो KLmN ये क्या है, सेल है, ठीक है। ये क्या है, KLmN ये क्या है, सेल्स है। चलिए, और क्या कहा इन्होंने, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर पॉसिबल थ्योरेटिकली बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड ऑर्बिट विद द फिक्स्ड एनर्जी। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ होते तो कई सारे ऑर्बिट हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी पर नहीं मूव करता, बल्कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट पर ही मूव करता, जहां पर एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। चलिए, और क्या बताया, ओनली इन दैट ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, h/2π। मतलब ये आपका एंगुलर मोमेंटम mvr दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कितना होगा,
एच एच अपॉन 2 पाई। जो एन की वैल्यू है, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, और ये क्या होगा 1 2 3 4, ये जो वैल्यू है कभी आपका फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। और क्या बताया, लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट जो होता है, जो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ग्राउंड स्टेट। और क्या बताया, इन फिक्स्ड ऑर्बिट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी। मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ना तो एनर्जी इमिट करता है, ना तो एब्जॉर्ब करता है, ना तो लूज करता है, ना तो गेन करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज टू अनदर सेल, देन इट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है, तभी एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो इमिट करता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब देखिए, ये क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है सेल्स है, ठीक है, दीज आर सेल्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव कर रहा है, आपने क्या किया, एनर्जी सप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, पहुंच गया कहां पर, हायर एनर्जी स्टेट में। तो जो हायर स्टेट में जाता है, तो ये बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट। और जहां पर पहले ऑलरेडी वो रहता है, जहां पर बिना एनर्जी लूज किए ये गेन किए रिवॉल्व किया करता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, बैक होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर एनर्जी स्टेट। दूसरी कंडीशन क्या पॉसिबल है, व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन पॉसिबल यह है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर, हायर स्टेट में, और ये कहां पर आ जाए, लोअर स्टेट में। तो जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तो एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इमिशन हो रहा, यहां पर क्या हो रहा, इमिशन। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो ये कुछ बातें हमने जान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बोहर्स जो एटॉमिक मॉडल है, इससे अब हम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होता है, इस चीज को अब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अबाउट द एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन पर मूव करते हैं। तो किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बताई गई, वो ई एन इक्वल टू होता है -13.6। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितना हो जाएगा, -13.66 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको लिखेंगे इन इन द जूल, अगर जूल में इसी को लिखना चाहें तब क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा
वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जब आप वैल्यू रखेंगे तो ई एन बराबर आपको मिलेगा -13.6, ये तो रहेगा ही 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, लेकिन ये काहे में आएगा, जूल में आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये आपका आ गया क्या, जूल में आ गया। ठीक है, ये किस में आ गया, जूल में आ गया। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। अब इसी एनर्जी को हम लोग देखते हैं जब ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब क्या होता है, इसी एनर्जी का हम लोग देखते हैं क्या चेंजिंग आता है। ठीक है, और इसके लिए अगर हाइड्रोजन के लिए कहा जाए, फॉर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के लिए कहा जाएगा तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1, और एन की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ई एन इज इक्वल टू हो जाएगा -2.18 इंटू, सॉरी एट, ये 18 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 18, और इधर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1 स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे, जूल। ठीक है, जूल में हमने लिखा। अब देखिए ये वैल्यू किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन, तो लिख सकते हैं ई एच इज इक्वल टू कितना, -2.18 -2.18 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -18। ये आ गई क्या, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो इतनी वैल्यू अगर आप चाहें तो यहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रखेंगे तब क्या होगा, तो यहां पर आ जाएगा ई एन इक्वल टू कितना, ई एच, ठीक है, ई एच, और इधर क्या लिखेंगे, इनटू, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये जूल में आ गया, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, ये भी क्या है, एक फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे जब ट्रांजिशन होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या चेंजेस आते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ये एनर्जी चेंज, क्या लेते हैं हम लोग, एनर्जी चेंज। तो एनर्जी चेंज के बारे में बात करें कि ये न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका, सेल्स है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में, और ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में। यहां पर एनर्जी कितना बेटा, ई टू, और यहां पर एनर्जी कितना है, ई वन। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, और ट्रांजिशन के समय एनर्जी चेंज डेल्टा ई बराबर, ठीक है, कितना होगा, ई टू माइनस ई वन, ई टू माइनस ई वन रखते हैं। अब ई टू की वैल्यू अभी आपको हमने बताया, तो ई टू की वैल्यू रखेंगे कितना, ये हो जाएगा -2, और ये अभी हम लोग ये किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन के लिए, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। तो आगे यहां पर बात करेंगे कितना होगा, -2.18 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, दैट इज 18, जेड की वैल्यू ऑलरेडी कितना रखा, 1 रखा, तो यहां पर अपान, यहां पर लिखेंगे कितना, n 2 स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस का साइन, अब इसी को लिखेंगे -2.18 इंटू 10 की पावर -18, ये कितना हो जाएगा, n 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, तो डेल्टा e इक्वल टू, ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन n 2 स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, ये हुआ 2.18 इंटू 10 की पावर -18, और ये हो जाएगा n 1 स्क्वायर। ये प्लस वाली वैल्यू है, ये प्लस वाली है, तो पहले रखेंगे, ये माइनस वैल्यू बाद में रखेंगे। तो आगे यहां पर देखते हैं, तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18, ये आप कॉमन ले लीजिए, और यहां पे हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा n 1 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी द n 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, द एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के समय ये क्या है, एनर्जी। ठीक है, तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो चीजें हमने पढ़ी हैं। तो क्या बताया हमने, देखिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, एटम्स हैव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सेंटर वेयर होल मास इज स्टोर्ड। ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरा क्या बताया, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट,
इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं। फिर क्या बताया, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको हम लोग ऑर्बिट सेल, स्टेशनरी सेल या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के एल एम एन। और सभी सेल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते बल्कि कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल वाले में ही मूव करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एनर्जी लेवल के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जहां एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉसिबल है। द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, जो लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट होगा। इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज नॉर गेन क्या एनर्जी, ठीक है। और फिर इसके बाद और क्या बात बताई, ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी देते हैं तो ग्राउंड स्टेट से कहां जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। तो इसको हम कह सकते हैं कितना, E2, ये क्या हो जाएगा, E1। और जब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कैसे जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो यहां एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन जब करेगा तो इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर एनर्जी लेवल फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल। दूसरी कंडीशन क्या है, जब हायर एनर्जी लेवल से बैक ग्राउंड स्टेट में जाता है तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी क्या करता है, इमिट करता। तो यहाँ क्या होता, इमिशन होता। अगली बात हमने की क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। आपको पता है ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको एक फार्मूला थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ई एन स्क्वायर टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर जूल में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह कितना रखेंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। अब ये हो जाएगा ई एन, ठीक है। ये जो वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हमने ये वैल्यू रखी, तो वैल्यू रखने पर ई एन बराबर कितना होगा, -2.18 × 10⁻¹⁸ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, और एन इक्वल टू 1। तो ये हमको मिलता है ई एच इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी है -2.18 × 10⁻¹⁸। इस वैल्यू को उठा के अगर आप यहां पर रखते हैं तब क्या मिलेगा आपको, तब जो मिलता है ई एन इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, ई एच इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये क्या है, जूल में। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज अभी हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, और एनर्जी चेंज का मतलब जब ट्रांजिशन होता है उस केस में, तो ट्रांजिशन के दौरान क्या होगा, ये आपका एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है। तो ये क्या है, E2, E2 से कहाँ आएगा, E1। तो डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, और डेल्टा E इक्वल टू आप वैल्यू रखें, तो वैल्यू रखने पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो रियल में जो आपको मिलेगा डेल्टा E इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.18 × 10⁻¹⁸, कितना हो जाएगा, -18। और ये आपका एक फार्मूला बन के आ जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन अगर रेडियस के बारे में बात करें, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ऐसी कंडीशन में इसको आप फॉर्मूला याद रखेंगे थोड़ा, आर एन इक्वल टू होता है 0.53, ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये होता है एंगस्ट्रॉम। तो फॉर हाइड्रोजन के लिए बात करें, फॉर हाइड्रोजन एन इक्वल टू कितना 1, और जेड इक्वल टू कितना होगा 1। तो आर एच बराबर 0.35 कितना 1² / 1, ये हो जाएगा कितना 0.53, दैट इज एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम आर एच। तो आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, ये जो 0.35 दिया इसकी जगह वैल्यू रख सकते हैं ये। तो आर एन इक्वल टू हो जाएगा आर एच और एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड, और इधर क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम, दैट इज द ऑल्सो फार्मूला। और इसी तरह वेलोसिटी का एक थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर भी, वी एन इक्वल टू 2.19 × 10⁸ जेड अपॉन एन, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ये कुछ फार्मूलाज आपको याद रखना है, और नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसमें इसको याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर कोई डाउट होता तो आप बताइएगा। तो रेडियस के लिए फार्मूला क्या है, आर एन इक्वल टू 0.53
एन स्क्वायर, एन क्या नंबर ऑफ सेल, और ये क्या दिया जेड एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो जाएगा ए एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू लिया गया। हाइड्रोजन के लिए एन इक्वल टू कितना वन, जेड इक्वल टू कितना वन, ठीक है। और आर एच यहाँ एन की वैल्यू कितना रख दिया हमने वन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितना रखेंगे वन रखेंगे, और जेड के लिए कितना रखेंगे वन, तो कितना 0.53 हो गया। अब इस वैल्यू को उठा के हम क्या रखते हैं यहाँ पे रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा आर एन इक्वल टू आर एच, ठीक है, और ये एन स्क्वायर अपॉन जेड और फिर ये एंगस्ट्रॉम। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वी एन इक्वल टू 2.19 × 10⁸, जेड क्या एटॉमिक नंबर अपॉन एन और सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ओके थैंक यू बेटा।